सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। पैसों का भुगतान न करने पर निवेशकों में आक्रोश, 22 नवंबर को सीएम हाउस का घेरा। इसे एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने प्रकाशित किया है। रायपुर डेस्क रिपोर्ट। सहारा इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सहारा चीफ सुब्रत रॉय और उनकी पत्नी के खिलाफ एक के बाद एक देश भर में एफआईआर दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी निवेशकों का गुस्सा फूटने लगा है। 22 नवंबर 2021 सोमवार को रायपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और इस दौरान सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। यह भी पढ़े, एमपी स्कूल, निजी स्कूलों के लिए काम की खबर, फीस को लेकर जारी हुए ये निर्देश। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेक का आरोप है कि भोले भाले छत्तीसगढ़ियों के मेहनत, ईमानदारी, खून पसीने की गाड़ी कमाई को सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दुगुना तिगुना करने का प्रलोभन देकर करोड़ों रुपया जमा करवा लिया गया है और समयावधि पूर्ण होने के बाद भी जमा राशि वापस नहीं की जा रही है, जिसे वापस दिलाने के लिए सीएम हाउस छत्तीसगढ़ सीएम हाउस घेराव किया जा रहा है। यह भी पढ़े, पेंशनर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, जाने कैसे मिलेगा पेंशन में लाभ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के रायपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन ने बताया कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देशानुसार दिनांक 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। प्रातः 11 बजे धरना प्रदर्शन स्थल बूढ़ापारा पर होगा। धरना स्थल पर एक दिवसीय आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन कर निवेशकों का विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने निवेशकों और लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।